points. Himanshu, do you want to share some points? Studies. सर लास्ट क्लास हम लोग पढ़े कि जैसे एक नॉर्मल व्यक्ति हमेशा सोचता है कि आई एम द डूअर, सब कुछ मैं हूँ एंड जो भी चीज़ करता है वो सब खुद के लिए करता है, खुद को ही भोगी और खुद खुद को ही करता, सब कुछ ऐसे समझ के ही करता है। बट जब एक डिवोटी के बारे में बोलते हैं तो एक डिवोटी सब करता है बट वो कभी भी आई एम डूअर नहीं बोलता, वो एवरीथिंग बाई गॉड, वो खुद को ही मीडियम समझता है, जो भी हो रहा है वो आई एम ओनली अ मीडियम एंड एवरीथिंग डन बाय द गॉड। तो ये एक डिवोटी के विचार ही वो ऐसे सोचता है, और नॉर्मल और डिवोटी में यही अंतर होता है। और जैसे कि वाटर और कमल, कमल कमल का जो फूल होता है वो कभी भी वाटर से कभी भी अफेक्टेड नहीं होता है। इन द सेम वे जो भी कृष्णा डेवोटीज होते हैं वे कभी भी मेटेरियल वर्ल्ड के जो भी जितने भी चीज़ें, जितने भी रिएक्शंस हैं, ये जो भी चीज़ें उनसे वो इफेक्टेड नहीं होते। उसी टाइप का जैसे कि लोटस फीट कभी भी वाटर से इफेक्टेड नहीं होते। ये पॉइंट सर। ओके थैंक यू। सो ओके सो व्हाट एवर वी हैव डिस्कस यस्टरडे, सो little bit same points we will discuss in today's sloka also little bit, and then we will move forward. So let me share just the screen. So our today's class topic is the three types of jivan muktas. So I hope everyone is able to see the screen. Network here also, network is little poor. Okay, so yeah. So screen is visible to all of you? Yeah. So today's shlokas, kayena manasa buddhaya kevalai indriyai api yogina karma kurvanti sangam tyaktva atma shuddhaye. Someone can read the translation and then tatparya. Anyone can read? Yes, anyone? My voice is coming or not? Hare Krishna. Yes. Please read. Anubad. Ji Prabhu. Yogi jan ashakti rahit hokar sharir man buddhi tatha indriyon ke dwara keval शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। जब कोई कृष्ण भावनामृत में कृष्ण की इंद्रिय तृप्ति के लिए शरीर मन बुद्धि अथवा इंद्रियों द्वारा कर्म करता है तो वो भौतिक कर्मश से मुक्त हो जाता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के कार्यों से कोई भौतिक फल प्रकट नहीं होता। अतः सामान्य रूप से सदाचार कहे जाने वाले शुद्ध कर्म कृष्ण भावनामृत में रहते हुए सरलता से संपन्न किए जा सकते हैं। श्री रूप गोस्वामी में भक्ति रसामृत सिंधु में इसका वर्णन इस प्रकार किया है। अब मुझे थोड़ा सा ऊपर इहा अश्य हरोर दश्ये कर्मणा मनसा गिरा निखिला स्वप्य वस्थाशु जीवन मुक्त स उच्यते। तो अपने शरीर मन
अपने शरीर मन बुद्धि तथा वाणी से कृष्ण भावनामृत में कर्म करता हुआ यानी कृष्ण सेवा में व्यक्ति इस संसार में भी मुक्त रहता है, भले ही वह तथा कथित अनेक भौतिक कर्म कलापों में व्यस्त क्यों न रहे। उसमें अहंकार नहीं रहता क्योंकि वह इसमें विश्वास नहीं रखता कि वह भौतिक शरीर है अथवा यह शरीर उसका है। वह जानता है कि वह यह शरीर नहीं और ना यह शरीर ही उसका है। वह स्वयं कृष्ण का है और उसका यह शरीर भी कृष्ण की संपत्ति है। जब वह शरीर मन बुद्धि वाणी जीवन संपत्ति आदि से उत्पन्न प्रत्येक वस्तु को जो कि उसके अधिकार में है कृष्ण की सेवा में लगाता है तो वह तुरंत कृष्ण से जुड़ जाता है। वह कृष्ण से एक रूप हो जाता है और उस अहंकार से रहित होता है जिसके कारण मनुष्य सोचता है कि मैं शरीर हूँ। यही कृष्ण भावनामृत की पूर्ण व्यवस्था है। ओके थैंक यू। तो आज के श्लोक में भी हमें कुछ नई चीजें सीखने को मिलेंगी, जिसमें बोल रहे हैं कायेन मनसा बुद्धया केवलैः इन्द्रियैः अपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। तो यहाँ पर एक चीज हमें फोकस करनी है, केवलैः इन्द्रियैः, है ना। केवलैः इन्द्रिय का मतलब होता है क्या, केवल मतलब होता है यहाँ पर नॉर्मली केवल का मतलब होता है ओनली, राइट। लेकिन संस्कृत एक ऐसी लैंग्वेज है जिसमें एक वर्ड के अलग अलग जगह पर टाइम प्लेस और सरकमस्टांस के हिसाब से उस सेंटेंस के हिसाब से उसका मीनिंग चेंज हो जाता है, राइट। जैसे सत्य, तो सत्य मतलब जनरली सत्य का मतलब होता है ट्रुथ, लेकिन सत्य भगवान का भी नाम है, राइट। तो ये देखना पड़ता है कि वहाँ पर टेक्स्ट क्या है और कॉन्टेक्स्ट क्या है, तो कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से उस चीज़ का मीनिंग बदल जाता है। तो यहाँ पर केवल है, केवल मतलब यहाँ पर ओनली का मतलब नहीं है, केवल मतलब सिर्फ नहीं, केवल ही मतलब यहाँ पर है शुद्ध, शुद्ध। व्यवसाय आत्मिका बुद्धि एक है कुरु नंदना, मतलब ओनली, हाँ। तो केवल ही मतलब शुद्ध प्योर, और इंद्रिय मतलब इंद्रियों से। तो ये आज के श्लोक का क्या है, कंक्लूजन है एक्चुअली। तो कायेन मनसा बुद्धया केवल इंद्रिय, मतलब कि व्यक्ति हु इज सिचुएटेड इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, वाट एवर ही इज डूइंग वाई हिज अ प्योर सेंसेस, हाँ। क्योंकि कृष्णा कॉन्शियस जो डिबोटी होता है उसके जो सेंसेस हैं वो पूरी की तरह से किस में लगे हैं, भगवान की सेवा में लगे हैं। कैसे, इसमें बोल रहे हैं ना कि यह जश्य हरेरदासे कर्मणा मनसा गिरा। कर्मणा मीन्स बॉडी माइंड एंड उसका वर्ड्स, है ना। तो यह यश हरदासे कर्मणा मनसा गिरा निखिलास्व अभी अवस्थासु जीवन मुक्त सा उच्यते। मतलब वो बोल रहा है कि जब व्यक्ति इस प्रकार से कर्म करता है कि उसकी जो इंद्रियां हैं वो केवल भगवान की सेवा में लगी हैं, केवल भगवान को संतुष्ट करने का प्रयास किया जा रहा है यहाँ पर, और खुद की जो इंद्रिय तृप्ति की जो इच्छा है वो पूरी तरीके से जीरो है, निल, कंप्लीटली निल, राइट। मतलब 0.11% भी इच्छा नहीं है भगवान मतलब उस डिबोटी का कि खुद को एंजॉयमेंट मिले, नहीं, कंप्लीटली डेडिकेटेड टू कृष्णा। दैट इज कॉल्ड शरणागति और सरेंडरनेस। सरेंडर का मतलब होता है सेवा। जब हम किसी व्यक्ति को सरेंडर कर देते हैं तो उसका मतलब है कि हम अभी क्या करने वाले हैं, सेवा करने वाले हैं। जैसे कि इससे पहले हमने श्लोक डिस्कस किया था, ये वाला कौन सा, सबसे पहले हाउ टू अप्रोच गुरु, सबसे पहले उसके पास जाके सबसे पहले क्या करना चाहिए, दंडवत प्रणाम करना चाहिए, उसके बाद फिर क्या करना चाहिए, उसकी सेवा करना चाहिए, देन उसके बाद फिर हमें उससे जिज्ञासा करना चाहिए, राइट। सो दीज थ्री स्टेप्स। तो इसका मतलब क्या है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल पहला स्टेप ही क्या है कि सरेंडर कर दो अपने आप को, मतलब दंडवत प्रणाम करना है। तो दंडवत प्रणाम करने का मतलब क्या होता है, पूरी कंप्लीटली सरेंडर अपना। जब हम किसी व्यक्ति को दंडवत प्रणाम करते हैं, जैसे जब हम भगवान को प्रणाम करते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं, तो उसका मतलब क्या है, उस समय हम अपना माइंड बॉडी वर्ड्स
हर चीज अपन ऑफर कर देते हैं कि ऑल दीज थिंग्स माई बॉडी माई बर्ड्स माई इंटेलिजेंस ईच एंड एवरी थिंग सरेंडर टू यू. वाई? बिकॉज दीज थिंग्स नॉट बिलोंग टू मी, दीज थिंग्स बिलोंग टू यू अल्टीमेटली, बिकॉज ऑल दीज थिंग्स आर कमिंग फ्रॉम यू ओनली, है ना. ईशावास्यम इदम सर्वम यति किंचित जगत्याम जगत तेन तक्तिवेन भुंजिता माँ गिरधा कशेषु धनम. बिकॉज होल मटेरियल वर्ल्ड होल क्रिएशन इज कमिंग फ्रॉम कृष्णा ओनली. सो ही इज द अल्टीमेट प्रोप्राइटर ऑफ एवरीथिंग. ही इज द रियल इंजॉयर ऑफ एवरीथिंग. सो इवन ऑन अवर बॉडी ऑल्सो वी डोंट हैव एनी राइट. अल्टीमेटली हु इज द रियल राइटफुल? कृष्णा. क्योंकि ये शरीर भी शरीर किसका है? भगवान का है. क्योंकि ये शरीर किससे मिलकर बना है? पांच जड़ पदार्थ से, अर्थ वाटर फायर एयर इथर, एंड दीज थिंग्स मेड बाय सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड. सो अल्टीमेटली दिस बॉडी इज ऑल्सो बिलोंग टू कृष्णा. सो दैट इज वाई अवर बॉडी शुड बी यूज इन द सर्विस ऑफ कृष्णा. दिस इज कॉल्ड सरेंडरनेस. सो इस प्रकार का व्यक्ति जब इस प्रकार का जब जीवन जीता है कि जब वो समझ जाता है कि मेरे शरीर, ये शरीर भी मेरा नहीं है, ये मन भी मेरा नहीं है, बर्ड्स भी मेरे नहीं है, बुद्धि भी मेरी नहीं है. हाँ, भगवान बोल रहे ना क्या, बुद्धि बुद्धि मताम चास्मी तेजस तेजस बिना महम. हाँ, सात पे अध्याय भगवान बोल रहे हैं कि बुद्धि बुद्धि मताम अस्मी. ये जो बुद्धि है, बुद्धि मतलब हर किसी भी व्यक्ति के अंदर जो इंटेलिजेंस है, तो वो इंटेलिजेंस कौन है? आई एम दैट इंटेलिजेंस, आई एम गिविंग दैट इंटेलिजेंस. मत्ता स्मृति ज्ञानम अपोहनम च. वेदेश सर्वेर अहमैव वेद्यो वेदांत कृत्वेद विदेव चाहम. तो उसमें भगवान ये बोल रहा है, सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्ता स्मृति ज्ञानम अपोहनम च. आई एम सिटिंग इन एवरीवन्स हार्ट एज ए सुपर सोल एंड आई एम गिविंग स्मृति ज्ञानम अपोहनम. आई एम गिविंग मेमोरी, आई एम गिविंग इंटेलिजेंस. मत्ता स्मृति ज्ञान, ज्ञान मीन्स इंटेलिजेंस नॉलेज, एंड अपोहनम मीन्स फॉरगेटफुलनेस. सो ऑल दीज थिंग्स कमिंग फ्रॉम कृष्णा ओनली. तो जब बुद्धि भगवान की है, स्मृति मेमोरी भगवान का है, और अपोहनम फॉरगेटफुलनेस भी भगवान ने दे रहे हैं, तो फिर व्हाट थिंग्स बिलोंग टू अस? नथिंग बिलोंग टू अस. स्टिल पीपल दे प्राइड सो मच, राइट, दिस इज बिलोंग्स टू मी, दिस इज बिलोंग टू मी, इस तरीके से. एंड पीपल कंसिडर होल बॉडी अवर सेल्फ. एक्चुअली जो व्यक्ति जितना अपने आप को शरीर समझेगा ना, उसको उतना ज़्यादा अहंकार होता है. दैट इज प्रैक्टिकल. एक्चुअली यू कैन फील इट, प्रैक्टिकल यू कैन फील इट, यू कैन सी दैट. जो व्यक्ति अपने आप को जितना ज़्यादा शरीर समझेगा, उसको व्यक्ति को उतना अहंकार होता है. क्यों? क्योंकि यही तो सबसे बड़ा अंधकार है ना, यही तो सबसे बड़ा अज्ञानता है, क्योंकि हम शरीर नहीं है, राइट. जब हम शरीर नहीं, देखो जब आप समझोगे कि हम शरीर हैं, इसका मतलब क्या है? फिर शरीर से जुड़ी जितनी भी चीज़ें हैं, फिर वो भी आप समझोगे कि हाँ, ये चीज़ मेरी है, ये ज़मीन मेरी है, ये घर मेरा है, है ना, ये धन दौलत हर चीज़ मेरी है कि नहीं, ये देश मेरा है, हर चीज़ है, माई फैमिली मेम्बर्स रिलेटिव्स ईच एंड एवरीथिंग. जैसे अर्जुन के साथ पहले यही समस्या तो हुआ था, वो अपने आप को क्या समझ रहा था कि आई एम दिस बॉडी, और मेरे सामने जो खड़े हैं वो भी जब वो शरीर है, तो बाकी सब भी वो शरीर से संबंधित समझ रहे थे कि सारे रिलेटिव्स भी मेरे हैं, है ना. लेकिन जब कृष्णा जब नॉलेज देखे, नहीं नहीं यू आर नॉट दिस बॉडी, यू आर सोल, राइट. तो जब व्यक्ति अपने आप को जब रियलिटी पता चल जाता है कि नहीं नहीं मैं तो शरीर नहीं हूँ, मैं तो आत्मा हूँ. और आत्मा का धर्म क्या होता है? आत्मा का धर्म होता है भगवान की सेवा करना, भगवान से प्रेम करना. एंड इन दिस मटेरियल वर्ल्ड नथिंग बिलोंग्स टू अस, क्योंकि आत्मा सोल इज नॉट बिलोंग टू दिस मटेरियल वर्ल्ड, दिस बिलोंग टू स्पिरिचुअल वर्ल्ड. सो नथिंग बिलोंग टू अस हियर, अंडरस्टैंडिंग. तो ये तो जब व्यक्ति को पता चलेगा अरे आत्मा है हम तो, और यहाँ पर तो हर चीज मैटर से बनी हुई है, तो फिर कौन सी चीज हमारी यहाँ पर? तो कोई भी चीज हमारी नहीं है. तो फिर देन हु इज द रियल प्रोप्राइटर? कृष्णा इज द रियल प्रोप्राइटर, राइट. तो इस प्रकार से व्यक्ति जब भाव जब आ जाता है, जब व्यक्ति को नॉलेज जब हो जाता है, तो फिर वो क्या है, निखिलास्व अभी अवस्था जीवन मुक्त सा उचिते. तो इस भौतिक जगत में रहकर भी वो क्या होता है, उसको क्या बोलते हैं, जीवन मुक्त सा उचिते. उसको क्या बोलते हैं? जीवन मुक्त, राइट. तो इसी की आज हम चर्चा करने वाले हैं कि जीवन मुक्त भी तीन प्रकार के व्यक्ति होते हैं, है ना. तो कल जिस प्रकार से हम जो चर्चा कर रहे थे कि हाउ कृष्णा कॉन्शियस पर्सन एंड मटेरियलिस्टिक पर्सन बोथ आर लिविंग इन दिस मटेरियल वर्ल्ड, स्टिल देयर इज अ लॉट ऑफ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन देम. क्योंकि जिस प्रकार से कमल का लोटस पेटल का एग्जांपल दिया गया, ऑल्दो ही लिव्स इन वाटर बट स्टिल ही नेवर टच द वाटर.
तो सिमिलरली डिवोटीज ऑफ कृष्णा, प्योर डिवोटीज ऑफ कृष्णा, ऑल्दो दे आर लिविंग इन दिस मटेरियल वर्ल्ड, स्टिल दे नेवर अफेक्टेड बाय दी थ्री मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर, राइट? सो दिस इज द डिफरेंस. क्यों अफेक्ट नहीं होते हैं? क्योंकि उनका पूरा कार, उनका तन मन धन का, माइंड बॉडी वर्ड्स इंटेलिजेंस, ईच एंड एवरीथिंग इज एंगेजिंग इन कृष्णा सर्विस, नॉट फॉर पर्सनल सेंस ग्रेटिफिकेशन. देन वेयर इज द पॉइंट टू अफेक्ट देम, राइट? तो जब पूरा हर चीज भगवान की सेवा में उसने लगाती है, तो कहाँ प्रश्न बनता है कि वो बहुत जगह से अफेक्ट होगा. बहुत जगह से वो व्यक्ति अफेक्ट होता है जो व्यक्ति खुद के सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए काम करता है. और हम जितना अपने आप को शरीर समझेंगे, हम उतना ज्यादा इन चीजों से प्रभावित होंगे. इसलिए कृष्णा कॉन्शियसनेस का पर्पज क्या है? टू रेज अवर सेल्फ फ्रॉम दिस बॉडली प्लेटफॉर्म एंड सिचुएटेड ऑन स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म. हम जितना ज्यादा शरीर लेवल से उठेंगे और जितना ज्यादा आत्मा के स्तर पर हम पहुंचेंगे, उतना कम हम इस बहुत जगह से प्रभावित हो पाएंगे और अपनी रियल कॉन्स्टिट्यूशन पोजिशन में आ पाएंगे, राइट? सो दिस इज द पर्पज ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस, है ना? तो इसलिए बोल रहे हैं कि अपने शरीर मन बुद्धि वाणी से कृष्ण भावना व्रत में कर्म करता हुआ व्यक्ति इस संसार में भी मुक्त रहता है, राइट? वो भी काम कर रहा है. जैसे देखिए, हम लोग भी काम करते हैं, सुबह से उठ के रात के सोने तक पूरा पूरा दिन भर, पहले खुद का भजन साधन करना, फिर उसके बाद प्रीचिंग करना, प्रचार प्रसार करना. अब उसके भी कितने सारे डिपार्टमेंट हैं, बुक डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, ड्यूटी वर्शिप हो गया, डांसिंग कीर्तन हो गया, हाउस प्रोग्राम्स, कॉलेज प्रीचिंग्स, है ना? सो मेनी डिपार्टमेंट्स आर देयर, राइट? फ्रॉम मॉर्निंग, फ्रॉम 9 AM टू 9 PM, राइट? सो लाइक आउटसाइड पीपल दे आर वर्क हार्ड डे एंड नाइट जस्ट फॉर ईटिंग, स्लीपिंग, मेट एंड डिफेंडिंग, ओनली फॉर दीज थिंग्स. एंड वी आर ऑल्सो वर्किंग वेरी वेरी हार्ड बट नॉट फॉर ईटिंग, स्लीपिंग, मेट एंड डिफेंडिंग, नॉट फॉर अवर सेंस ग्रेटिफिकेशन, नॉट फॉर अवर बॉडली कम्फर्ट, रादर देन टू सेटिस्फाई कृष्णा. एंड हाउ वन कैन सेटिस्फाई कृष्णा? वैन वी प्रीच द मैसेज ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस, लाइक कृष्णा सीज इन भगवद गीता के, नो वन इज डियरर टू मी हु प्रीच द मैसेज ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस, हु ग्लोरीफाई, जो मेरे नाम का प्रचार करता है, उससे ज्यादा प्रिय इस भौतिक जगत में और कोई भी नहीं है जो मेरे नाम का प्रचार करता है. श्री प्रभुपाद आल्सो सेम थिंग्स, कि जब कोई मेरी पुस्तकों का बच्चे जब कोई मेरी पुस्तकों को सही तरीके से अध्ययन करता है, मतलब ये प्रभुपाद का बुक रीडिंग करता है या मेरी ग्रंथों का वितरण करता है, उससे बड़ा प्रिय मेरे लिए इस बहुत जगत में कोई नहीं है. सो श्री प्रभुपाद एंड कृष्णा दे आर टेलिंग सेम पॉइंट, राइट? तो इसलिए जब हम भगवान के नाम का प्रचार करते हैं या उनकी सेवा में जब लगते हैं, तो ये क्या है, भगवान के लिए इससे ज्यादा प्रिय इस संसार में कोई भी नहीं है जो उनके नाम का प्रचार करता है, राइट? अब वो अलग अलग तरीके से हो सकता है ना, प्राणे अर्थे धिया वाचा, ठीक है, ये अलग अलग प्रकार से हो सकता है, बट अल्टीमेटली द पर्पज ऑफ लाइफ टू बिकम फिक्स्ड अप इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, टू चैंट कृष्णा एंड स्पीक कृष्णा, दैट इज कृष्णा कॉन्शियसनेस, राइट? टू चैंट कृष्णा एंड स्पीक कृष्णा. जा रहे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, जहां पे भी जाओ, जिससे भी मिलो, उसको कृष्ण का उपदेश करो, राइट? तो खुद भक्ति करो और दूसरों को बोलो. खुद भक्ति करना है और दूसरों को बोलना है, जितना तुमने सीखा है बस उसी को दूसरों को बोलना है. दैट इज कृष्णा कॉन्शियसनेस, बस यही कृष्ण भावनामृत है. आपको इसके लिए अलग से कुछ भी जरूरत नहीं है, कुछ एक्स्ट्रा कुछ करने की. वट एवर यू आर लर्निंग, जस्ट सेम पॉइंट्स यू हैव टू रिपीट, दैट इज कृष्णा कॉन्शियसनेस, राइट? वेरी सिंपल एंड वेरी इजी, है ना? जा रहे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, हैं, जिससे भी मिलते हो उसको जस्ट केवल कृष्ण का स्मरण दिलाओ, उसको कृष्ण कथा के बारे में बोलो. एक्सेप्ट कृष्ण कथा, एवरीथिंग इज अ प्रजल्पा. प्रजल्पा मीन्स वॉट? प्रजल्पा मीन्स एनीथिंग विच इज नॉट ग्लोरीफाई कृष्णा, दैट इज प्रजल्पा. ऐसी कोई भी चीज जो कृष्ण को ग्लोरीफाई नहीं कर रही है या कृष्ण का उसमें नाम नहीं आ रहा है, दैट इज प्रजल्पा. फ्रिवलस टॉक, रविश, राइट? यूजलेस, लाइक टोड वर्किंग, जैसे टोड होता है ना, टोड, और यू कैन से फ्रॉग, मेंढक बरसात में टर 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 करता है, टर टर. वो क्या करता है, वो सांप को बुलाता है. वाई ही इज इनवाइटिंग स्नेक, सो जस्ट कम एंड ईट मी, राइट? सो सिमिलरली दिस रविश थिंग्स, दिस प्रजल्पा इज ऑल्सो लाइक दैट.
पीपल दे आर वर्किंग 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 एंड दे आर कॉलिंग फॉर वर्क टू होम, किसको बुला रहे हैं लोग जो ज़्यादा पॉलिटिक्स में लगे रहते हैं और अलग अलग तरीके से लाइक ऑल दिस टाइप्स ऑफ फ्रिवलस टॉक्स है ना, मंडेन टॉक्स विच इज नॉट रिलेटेड टू कृष्णास. सो दे सिंपली इन्वाइटिंग हिज ऑन डेथ काल, कालो अस्मी भगवान बोलते हैं ना, कालो अस्मी मैं काल हूँ, तो यमराज के रूप में मैं ही आता हूँ, कालो अस्मी भरत अर्सवा. सो इसलिए वी शुड नेवर एंगेज इन प्रजल्पा. एंड यू सी अवर स्टडी इज नॉट अ प्रजल्पा, राइट, अवर स्टडी इज नॉट अ प्रजल्पा बिकॉज अवर स्टडी इज ऑल्सो कनेक्टेड टू कृष्णा, है ना. सो हाउ दीज पीपल ऑल दो दे आर रेजाइडिंग इन दिस मटर वर्ल्ड स्टिल दे नेवर अफेक्टेड दिस मटर वर्ल्ड. वाई? बिकॉज उनका शरीर मन बुद्धि वाणी जीवन संपत्ति हर चीज़ को भगवान की सेवा में लगा देता है, तो वह तुरंत कृष्ण से जुड़ जाता है, है ना, और वह कृष्ण से एक रूप हो जाता है. यहाँ पर मतलब लोग डाउट कर सकते हैं और यहाँ पर थोड़ा भ्रमित हो सकते हैं लोग, जैसे यहाँ बोला वह कृष्ण से एक रूप हो जाते हैं, तो मायावादी लोग जो है ना, जो इम्पर्सनलिज्म होते हैं ना मायावादी लोग, वो बस केवल इसी पॉइंट को पकड़ लेते हैं, इसी सेंस को पकड़ लेते हैं, अरे कृष्ण से एक रूप हो जाते हैं मतलब अरे कृष्ण मतलब इसका मतलब है कृष्ण में मिल जाते हैं, इसका मतलब है कि जीव, इसका मतलब है लिविंग एंटिटी का एग्जिस्टेंस खत्म हो जाता है, तो वो इस पॉइंट को जो है वो नेगेटिव वे में ले लेते हैं. तो हमें बहुत इस प्रकार के कथनों से, वो इस प्रकार के लोगों से बहुत सावधान रखना चाहिए जो कि तर्क को मतलब उसका मीनिंग ही चेंज कर देते हैं. तो यहाँ पर कृष्ण से एक रूप हो जाने का मतलब क्या है, कृष्ण से एक रूप हो जाने का मतलब है कि कृष्णा कॉन्शियस हो जाना, भगवान से एक हो जाने का मतलब क्या है कि भगवान की जो चेतना है उस चेतना से एक हो जाना, अंडरस्टैंडिंग, उनके भाव में एक हो जाना, है ना, उसको बोलते हैं कृष्णा कॉन्शियस. जैसे हर व्यक्ति कृष्णा कॉन्शियस हो जाता है, इसका मतलब है कि सारे व्यक्ति का एक ही भाव है, एक ही मत है, उसी प्रकार से कृष्ण से एक रूप हो जाना इसका मतलब है कि कॉन्शियस वाइज की यहाँ पर बात की जा रही है कि एक ही कॉन्शियस हो जाना, कि भगवान जो चाहते हैं उसी कॉन्शियस में हम आ गए हैं. भगवान चाहते हैं कि हम अच्छे से शास्त्र पढ़ें और भक्तों के एसोसिएशन में रहें और अच्छा कर्म करें, तो इसको बोलते हैं कि एकता हो जाना, तादात में, कृष्ण तादात में, इसका मतलब हम कृष्ण से तादात में हो चुके हैं, भक्ति के मार्ग पर आ गए हैं, तो जो कृष्ण चाहते हैं हम वो कर रहे हैं, उसको बोलते हैं कृष्ण से एक रूप हो जाना, है ना, ना कि अपना एग्जिस्टेंस खत्म हो जाना. तो इस चीज को ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा ना, नहीं तो लोग इसमें भ्रमित हो जाते हैं. तो कृष्ण से एक रूप हो जाते हैं और उस अहंकार से रहित होता है जिसके कारण मन सोचता है कि मैं शरीर हूं, यही कृष्ण भावन की पूर्णावस्था है. तो हम जितना अपने आप को शरीर समझेंगे उतना हमारे अंदर ईगो रहेगा, क्योंकि जब हम शरीर समझेंगे तो बाकी सब चीजों से भी हमारा क्या होगा, अटैचमेंट बना रहा.